नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी बाजार में एक बड़ी गिरावट आती है तो किस तरीके के पैटर्न्स आप टेक्निकल चार्ट पे ढूंढें कि जिसकी वजह से आप अपने ट्रेड बना सके। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, जब भी बाजार में वन साइडेड मूवमेंट होती है तो वहां पे आप किस तरीके से ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने देखा अभी कुछ दिनों से बाजार हर दिन 500 पॉइंट नीचे ही खुल रहा था, तो उस केस में ना तो आप सेल कर सकते हो और ना तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आपका स्टॉप लॉस नहीं होता और बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में आप ट्रेड नहीं बना सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी बाजार में गिरावट होती है, वन साइडेड मूवमेंट होती है, चाहे वो नीचे की साइड हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो, तो वहां पे आप किस तरीके के पैटर्न्स ढूंढें और वहां पे आप किस तरीके के ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गिरावट के टाइम पे किस किस तरीके के पैटर्न्स आपको अपने टेक्निकल चार्ट्स पे ढूंढने हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी पोजीशन बाइंग में बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं लेके जाता हूं आपको बोर्ड पे, और बोर्ड पे ही दोस्तों आपको सब कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि जो भी आप समझेंगे दोस्तों बोर्ड पे ही समझेंगे। जितना आप बोर्ड पे समझेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास बोर्ड है और दोस्तों हम यहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके के पैटर्न्स देख रहे हैं। अब जैसे देखो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कोई भी एक स्टॉक है या फिर कोई इंडेक्स है, कोई भी है, अब देखो काफी दिनों से वो क्या हुआ, गिरता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे काफी दिनों से क्या गिरावट चल रही है। अब ये जो बॉटम है, अब देखो हर कोई आदमी चाहता है या हर कोई ट्रेडर चाहता है या कोई इन्वेस्टर हो, वो बॉटम पे बाइंग करना चाहता है। बॉटम पे बाइंग किस तरीके से करे दोस्तों, वो एक दोस्तों अलग तरीका होता है, वो एक डिफरेंट तरीका होता है। वहां पे अगर आप पोजीशन बाइंग बनाएंगे तो वहां पे थोड़े से गट्स चाहिए और साथ साथ थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज भी चाहिए। अब यहां पे बॉटम है, अब देखो बाजार में हर तरफ बॉटम होता है। जैसे बाजार में देखो ये गिरावट आई तो यहां पे भी आप इसे बॉटम कह सकते हो, यहां पे गिरावट आई ये भी एक बॉटम है, यहां पे गिरावट आई ये भी एक बॉटम है। बट एग्जैक्ट बॉटम को हम किस तरीके से दोस्तों पकड़ेंगे, ये वीडियो बेसिकली उसी के ऊपर बनाई हुई है। अब यहां पे देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि यहां पे एक बॉटम है, अब बॉटम पे किस तरीके के पैटर्न बनेंगे। देखो यहां पे जब भी बाजार में एक एग्जैक्ट बॉटम होता है, प्रॉपर बॉटम होता है, तो वहां पे एक अलग तरीके के पैटर्न्स बनते हैं। तो मैं यहां पे पैटर्न्स के पहले आपको नाम लिखवा देता हूं। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कैंडलस्टिक के बारे में ऑलरेडी दोस्तों मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं और इसमें आपको समझाया है कि कैंडलस्टिक किस तरीके से दोस्तों काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, कैंडलस्टिक दिखेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो यहां पे कैंडलस्टिक में कौन से पैटर्न देखने को मिलेंगे मैं लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहां पे समझाऊंगा। पहले आपको देखने को मिलेगा दोस्तों हैमर पैटर्न देखने को मिल सकता है यहां पे आपको। दूसरा दोस्तों आपको जो पैटर्न देखने को मिल सकता है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। इसको आप लिख लीजिए, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने एक नोटबुक बनाइए और उसमें ये लिखने स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे आपको बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल सकता है, बुलिश एंगल्फिंग होगा यहां पे। और इसके साथ साथ दोस्तों पियर्सिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यहां पे। इसके साथ साथ दोस्तों बुलिश हरामी देखने को मिलेगा यहां पे, बुलिश हरामी में पैटर्न यहां पे दोस्तों लिख देता हूं। बुलिश हरामी के साथ साथ दोस्तों आपको यहां पे जो देखने को मिल सकता है वो इन्वर्टेड हैमर भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां पे इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहां पे इन्वर्टेड हैमर भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको बॉटम पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसको पहले आप लिख लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताता हूं मैं यहां पे कि ये तो पैटर्न देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ यहां पे कुछ आपको चार्ट पैटर्न भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो कि चार्ट पैटर्न कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं यहां पे, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यहां पे डबल बॉटम। डबल बॉटम आपको हमेशा बॉटम पे ही दोस्तों देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ट्रेंड लाइन का ब्लॉफ पैटर्न भी देखो दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेंड लाइन का ब्लॉफ पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों सपोर्ट
पे किस तरीके से बाइंग करनी है, ये भी एक पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है कि सपोर्ट पे भी जब सपोर्ट होता है तो वहां पे किस तरीके से बाइंग बना सकते हैं वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों राउंडिंग बॉटम आपको ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आपको दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो पैटर्न्स है बेसिकली क्या है दोस्तों, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पैटर्न्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ चार्ट पैटर्न लिखवाए हैं कि बॉटम पे आपको किस तरीके से देखने हैं। तो अब मैं आप पे आपको बोर्ड पे आपको समझाता हूं कि किस तरीके से ये पैटर्न्स बनते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। इससे होगा कि दोस्तों जब भी बाजार में ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिले तो वहां से आप अपनी पोजीशन बाइंग में बना के अच्छा खासा मुनाफा आप बना सकते हैं। तो मैं इसको यहां पे पूरा रफ कर देता हूं और यहां पे दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पे देखते हैं कि कोई भी स्टॉक है, इंडेक्स है, कुछ भी है, वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहां पे क्या है, डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक देखने को चल रहा है तो यहां पे इस बॉटम पे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर मान लो हो सकता है मॉर्निंग स्टार देखने को मिल जाए, या फिर आपको यहां पे हैमर देखने को मिल जाए, या फिर आपको यहां पे दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल सकता है, यहां पे दोस्तों आपको पियर्सिंग पैटर्न दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो यहां पे इन तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको दोस्तों ढूंढना है। जब भी बॉटम पे आपको ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल जाए, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए, और वो भी आपको देखने को मिले 30 मिनट के चार्ट पे, यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों 30 मिनट का चार्ट, आवरली चार्ट, इसके साथ साथ दोस्तों डेली चार्ट, और हो सकता है कि आपको ये वीकली पे भी देखने को मिल जाए, बट वीकली में जो मिलेगा उसमें कंफर्मेशन बहुत बाद में आएगी। तो यहां पे हम बात करेंगे 30 मिनट की अवर्ली की और डेली चार्ट की बात करेंगे। इन तीन टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों यहां पे आप अपनी पोजीशन क्या बना सकते हैं, बाइंग में बना सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पे गिरावट में आपको डबल बॉटम भी देखने को मिल सकता है या फिर ट्रिपल बॉटम भी आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये भी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहां पे फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम भी आपको देखने को मिल सकता है, और यहां पे दोस्तों आप ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं और ये ट्रायंगल भी दोस्तों बन सकता है। अब आप बोलेंगे कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है तो उसमें आपको कंफ्यूजिंग ही लगेगा, बट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है तो यहां पे आप अपनी पोजीशन बाइंग बना के अच्छा खासा मुनाफा बाजार से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे ट्रिपल बॉटम देखने को मिल सकता है, यहां पे डाउन ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकती है, ट्रायंगल पैटर्न दोस्तों देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज को मत भूलिएगा, वो है इंडिकेटर। यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों इंडिकेटर, गलती से भी मत भूलिएगा, इंडिकेटर मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं, बट वो काम करते हैं एज अ डायवर्जेंस। डायवर्जेंस दोस्तों यहां पे ये देते हैं डायवर्जेंस, आप इसको अगर आपको पता है डायवर्जेंस क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इंडिकेटर क्या देते हैं, इंडिकेटर हमेशा जो देते हैं वो डायवर्जेंस देखते हैं। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर को सीखना है तो एज अ डायवर्जेंस सीखना है। तो डायवर्जेंस जो काम करते हैं वो ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम या डबल टॉप या ट्रिपल टॉप पे ही काम करते हैं। तो इसको भी दोस्तों ध्यान से समझेगा। जैसे कि अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूं और अब हम चार्ट पे समझेंगे, यहां पे मैं चार्ट पे ले जाता हूं दोस्तों आपको, और क्योंकि जो भी हम समझेंगे वो चार्ट पे ही समझेंगे। तो यहां पे जैसे कि आप दोस्तों चार्ट देख रहे हैं तो यहां पे मैं आपको चार्ट पे ही समझाता हूं। तो मेरे सामने ये चार्ट आ गया है, तो अब देखेंगे दोस्तों कि अभी बाजार में हाल फिलहाल में भी हुआ क्या, देखने को क्या मिला। तो अब मैं कोई भी एक स्टॉक उठाता हूं, जैसे कि मेरे सामने अभी मैंने ओपन करा तो मेरे सामने एक स्टॉक आया जो था IDBI का। IDBI का ये स्टॉक है दोस्तों, यहां पे हम इसे समझेंगे, ये IDBI का स्टॉक है। तो हम यहां पे तो IDBI का जो ये स्टॉक है यहां पे देखेंगे, ये अवर्ली चार्ट है, ठीक है जी, अवर्ली चार्ट है। अब अवर्ली चार्ट पे देखेंगे काफी दिनों से करेक्शन आ रही थी, काफी दिनों से गिरता हुआ नीचे जा रहा था। अब यहां पे क्या हुआ, इस जगह पे पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं यहां पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे पुराने ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, वहां पे हमने आपको ध्यान से समझाया कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न किस तरीके से काम करता है। यह बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है कि बेरिश कैंडल को बुलिश ने पूरी तरीके से एंगल्फ करा है। थर्ड कैंडल क्या है, यहां पे बुलिश कैंडल है, और जैसे इसका हाई कटा यहां पे आप अपनी पोजीशन बाय कर सकते हैं। तो यहां पे लग रहा है कि ये स्टॉक बढ़ सकता है और 27 तक ये अपना हाई बना सकता है। तो यहां पे ये जो देखने को मिला वो किसमें देखने को मिला, IDBI में।
अब मैं क्या करता हूँ, रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एक और स्टॉक देखने को मिला है, वो है डिवीज लैब। डिवीज लैब भी देखेंगे, काफी दिनों से गिरता हुआ जा रहा था और यहाँ पे बॉटम पे यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। जो सेम पैटर्न हमें आईडीबीआई में देखने को मिला था, सेम पैटर्न हमें किसमें देखने को मिला है, यहाँ पे डिवीज लैब में। तो डिवीज लैब में भी सेम पैटर्न देखने को मिला है और लग रहा है कि ये स्टॉक भी काफी बढ़ सकता है। जो इसमें कंफर्मेशन दी थी अपनी बाइंग की वो 1911 पे दी थी, 1911 रुपए पे इसने कंफर्मेशन दी थी बाइंग की, और लग रहा है कि वापिस से ये 2200 रुपए का रेट बहुत जल्दी दिखा सकता है। वैसे 2200 रुपए का रेट अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1985 का, 1911 पे इसने बाइंग कंफर्मेशन दी थी और 2200 से 2400 रुपए का रेट हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी देखने को दोस्तों इसमें मिल सकता है। तो सेम पैटर्न ऐसा इसमें देखने को मिला था। और एक स्टॉक और है दोस्तों जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, वो है रिलायंस। रिलायंस में भी दोस्तों यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला था और देखो कल जो एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी उस गिरावट के बाद ही ये पैटर्न दोस्तों बने हैं। अब क्या हुआ, कई लोग पूछे थे जी बाजार इतना ज्यादा गिर चुका है तो कि टेक्निकल काम करेगा नहीं करेगा। अरे भैया टेक्निकल काम करता है, टेक्निकल आपको आना तो चाहिए पहले। टेक्निकल अगर आपको आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस से ही ट्रेड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ रिलायंस में भी पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न यहाँ पे दोस्तों देखने को मिला था किसमें, रिलायंस में। और यहाँ पे इसकी जो बाइंग बनती थी वो बनती थी 1060 के आसपास में बाइंग बनती थी दोस्तों, और अभी जो इसका रेट चल रहा है वो चल रहा है 1115 का, 1115 का इसका रेट चल रहा है। और अब लग रहा है कि ये जा सकता है 1185 तक, ये जा सकता है बहुत जल्दी, इसका 1185 का टारगेट आ सकता है। और ये हुआ क्या, ये रिवर्सल आया किससे, ये इन्वर्टेड हैमर से दोस्तों देखने को मिला। अब मैं दोस्तों आपको कोई बहुत पुराने चार्ट नहीं दिखा रहा है, मैं वो चार्ट दिखा रहा हूं जो कल पैटर्न बने थे, कल के ही चार्ट दिखा रहा हूं, कल जो पैटर्न्स बने थे मैं उसी के बारे में दोस्तों चर्चा कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिसमें डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, किसी में कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, किसी में हैमर बनाया, किसी में इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर जैसे इसमें बनाया तो मैंने आपको दिखा दिया, किसी में मॉर्निंग स्टार है। तो दोस्तों ये इंडिकेशंस है, ये इंडिकेशन हमेशा आपको बॉटम पे मिलती है। अब क्या होता है कि आप वो देखते ही नहीं है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है तो आप वो मिस कर देते हैं। फिर आप ये सोचते हैं काश मैं 70 रुपए पे ले लेता, काश मैं 1900 रुपए पे ले लेता, काश मैं बॉटम पे खरीद लेता। तो काश वाश ये कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरीके से आएगा तो दोस्तों आप बॉटम पे बहुत अच्छी तरीके से बाइंग कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस दोस्तों आपके अंदर होना चाहिए। एक चीज और है दोस्तों, अगर आपको इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स दोस्तों परचेज कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे है। मेरी वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, यहां पे जाके आप लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, अपने आपको यूजर आईडी क्रिएट करिए, वहां पे जाके दोस्तों आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। जो मेरा खुद का 12 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस में वो पूरा मैंने उस कोर्स में डाल दिया है दोस्तों। उसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस सिखाया गया है कि जिसको टेक्निकल का टी भी नहीं आता होगा ना वो भी अगर उस कोर्स को लेगा तो वो भी बहुत अच्छा एनालिस्ट बन सकता है, बट उसको 3 महीने लगातार मेहनत करनी है। उसमें हमने कई टास्क भी दिए हुए हैं कोर्स के दौरान, वो आपको पूरे करने हैं। और बाकी दोस्तों मैं सपोर्ट तो आपको कर ही रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आती है कोर्स के दौरान तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल में भी ऐड करता हूं जिसमें सारे स्टूडेंट एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, और दोस्तों वो एक ग्रुप है, वो स्कैनर का काम करते हैं दोस्तों। इसमें 28 वीडियो है, 10 आवर्स का कोर्स है जो आपको वन टाइम पेमेंट करने के बाद ये कोर्स आप ही का रहेगा, इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में बनाया गया कोर्स है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये कोर्स खरीदें, और कोर्स अगर आप लेते हैं तो दोस्तों आपकी एक्यूरेसी 2 से 3 महीने बाद कम से कम 70 से 80% हो जाएगी। बाकी इसके साथ साथ मैं वेबिनार भी करूंगा जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वन टाइम आपको पेमेंट करनी है, फैसिलिटी आपको लाइफ टाइम मिलेगी, और कोर्स में मैंने इतना कुछ बताया है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप भी एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं जिसमें मैंने आपको प्राइस एक्शन साइकोलॉजी डिमांड सप्लाई टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न इंडिकेटर इसके साथ साथ डाउ थ्योरी और बहुत कुछ है जो मैंने इस कोर्स में कराया है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज और है कि मुंबई में मेरा वर्कशॉप है 23 मार्च से लेकर 27 मार्च में, मेरा 5 डेज का वर्कशॉप है जो कि मुंबई में दादर में होने वाला है, इसी महीने होने वाला है।
छह घंटे डेली क्लासेस होंगी जो कि लाइव मार्केट में होंगी। तो अगर आप मेरा वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।